ओके सो लेट अस शेयर आवर बोर्ड। आज हम लोग अभी देखेंगे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ सेम का अंडरग्राउंड हमने देख लिया, सब एरियल हमने देख लिया, अब हम लोग एरियल मॉडिफिकेशन पे चलेंगे। सी एरियल मॉडिफिकेशन थोड़ा सा डिटेल है, लेकिन हम लोग घबराएंगे नहीं। एरियल मॉडिफिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग भी है। एरियल मॉडिफिकेशन आपको नया नया चीज प्लांट और प्लांट के बारे में सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो लेट अस गिव द हेडिंग एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन नाउ एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ कोर्स सॉइल के ऊपर ही होता है, लेकिन यहां पर ही कुछ अलग सी मॉडिफिकेशन है एरियल में। एरियल में क्या है, स्टेम में होता है स्टेम शूट, जिसको हम लोग स्टेम कहते हैं, यानी कि अपर पार्ट का शूट होता है। इसमें लीव्स होते हैं, इसमें बर्ड्स होते हैं, इसमें फ्लावर्स होते हैं, है ना। अब हम लोग शूट की बात करेंगे। लेट अस लुक एट दी शूट। शूट में एक मॉडिफिकेशन होता है। क्या क्या मॉडिफिकेशन मैं बताऊं, शूट की मॉडिफिकेशन होता है, जैसे टेंड्रिल। टेंड्रिल एक मॉडिफिकेशन है। शूट का थॉर्न एक मॉडिफिकेशन है। थॉर्न कांटा, बड़े बड़े कांटा। उसके बाद एक टर्म हमारे पास आएंगे, फाइलो क्लेज। इसको क्या कहेंगे, फाइलो क्लेज। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म। इसके बाद टर्म क्या आएंगे, इसको कहेंगे क्लैडोड। क्या कहेंगे इसको, क्लैडोड। तो फाइलो क्लेज एंड क्लैडोड, ये किसकी मॉडिफिकेशन का बात कर रहा हूं, शूट का। शूट का मतलब सब एरियल छोड़ के अब ये एरियल मॉडिफिकेशन हो गया, एरियल। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग सबसे पहले टेंड्रिल मॉडिफिकेशन की बात करता हूं। शूट टेंड्रिल की किस टाइप की मॉडिफिकेशन होते हैं। सो लेट अस लुक एट दी टेंड्रिल मॉडिफिकेशन। टेंड्रिल मॉडिफिकेशन, नाउ व्हाट इज दिस टेंड्रिल। टेंड्रिल इज अ थ्रेड लाइक और कॉइल्ड, थ्रेड लाइक और वी कैन से कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। अब ये जो थ्रेड लाइक कॉइल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट, ये दो जगह हो सकता है। एक ये इस तरह से अगर हम लिख दें, ये टेंड्रिल आपकी स्टेम में भी हो सकते हैं, स्टेम टेंड्रिल। ये आपकी लीफ में भी हो सकते हैं, लीफ टेंड्रिल। तो फिलहाल हम लोग स्टेम टेंड्रिल की बात करेंगे। टेंड्रिल इज अ थ्रेड लाइक और कॉइल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। इट इज व्हाई इट इज मीन फॉर, इट इज मीन्ड फॉर, इट इज मीन्ड फॉर व्हाट, इट इज मीन्ड फॉर सपोर्ट। इट इज मीन्ड फॉर सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग। इट इज मीन्ड फॉर सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग। अब ये अलग बात है,
ये टेंड्रिल में, सेम टेंड्रिल में इट कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ये दो ही हो सकते हैं, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। नाउ लेट अस कम टू दी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दी टेंड्रिल मॉडिफिकेशन। इसके पहले कि हम टेंड्रिल मॉडिफिकेशंस में आपको बात करें, जैसे ये ब्रांच एंड अनब्रांच को मैं थोड़ा समझा देता हूं। सपोज ये एक प्लांट का स्टेम है, यहां से एक टेंड्रिल निकल के आ रहा है ना, इस टेंड्रिल दो पहियों में बांट सकते हैं, ये एक और ये एक, ये दो, यानी कि ब्रांच भी होते हैं, या इट कुड बी अ नॉन ब्रांच भी हो सकते, जैसे इस टाइप की है तो यहां से ये नॉन ब्रांच एक ही टेंड्रिल निकला हुआ है, तो ये दो टाइप की टेंड्रिल हो सकते। नाउ लेट अस लुक एट दिस पॉइंट टेंड्रिल की। नाउ एक्सिलरी बड्स और एक्सिलरी बड, जो कि एक्साइल में होते हैं, बट मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, ये हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर, एग्जाम्पल आएंगे धीरे धीरे, एक्सिलरी ब्रांच ऑफ द स्टेम, एक्सिलरी ब्रांच, ठीक है, व्हाट इज एक्सिलरी ब्रांच, ब्रांच जो है इज मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, एक्सिलरी बड मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, एक्सिलरी ब्रांच मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, देन लेट अस गो लिटिल बिट डाउन और नंबर थ्री, टर्मिनल बड, मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, टर्मिनल बड मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, देन नेक्स्ट फ्लोरल बड, मॉडिफाइड टू टेंड्रिल। अब हम लोग पिक्चर भी देखेंगे और उसकी एग्जाम्पल भी करेंगे। सबसे पहले ऑक्सिलरी बड मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, अगर इस टाइप की हम लोग एक पिक ड्रॉ करते हैं और यहां से एक लीफ निकल के आते हैं, और नाउ वी कैन से दैट ये एक टाइप लीफ है, यहाँ पर लीफ है और ये भी लीफ है, सो दीज आर द लीफ, ओके, दिस इज द लीफ। नाउ इसी पॉइंट पे एक्सिलरी बड जो है, नाउ दिस इज मॉडिफाइड एज अ टेंड्रिल, ये मॉडिफाइड हो रहा है, ये यहां पर ही एक्सिलरी बड है आप, ठीक है, टू टेंड्रिल। पहले पिक्चर को एक एक करके पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद एक्सिलरी ब्रांच मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, ये किस तरह का होगा, ये आपकी है, ये आपका यहां से लीफ आपकी तैयार हो रहा है, ये सारे आपकी लीफ है, ये आपकी लीफ है, और यहां से एक ब्रांच निकलते हैं, ब्रांच, नाउ ब्रांच इज ऑल ऑन ए सडन मॉडिफाइड टू टेंड्रिल,
ठीक है, ऑल ऑन ए सडन ब्रांच मॉडिफाई, ये बड है, यहां से बड निकलते हैं, ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड। अगर मैं इसको एक बार और मिटा देता हूं, ये जगह को अगर आप देखो, अगर मैं मिटाता हूँ एक बार और ड्राइंग को मिटा देता हूँ, बैक चले जाते हैं, है ना, हम लोग बैक करते हैं ड्राइंग को, ओके। अब हम लोग ड्राइंग को एक एक जगह से और करेंगे, रुको, ये होगी, और इस जगह में यहाँ से इस टाइप की बात करेंगे तो ये आपका एक टाइप की लीफ है, ठीक है, ये एक टाइप का लीफ है, एक टाइप की ये लीफ है, यहाँ से निकलते हैं, ब्रांच निकलने के बाद ये ब्रांच इज कन्वर्टेड टू टेंड्रिल। आप दोनों में डिफरेंस आप देखो, एक तो एक्सिलरी ब्रांच जो है वो कन्वर्टेड टू टेंड्रिल, और एक है एक्सिलरी बड कन्वर्टेड टू टेंड्रिल। ये शुरुआत से ही इस टाइप की राउंड किया हुआ है शुरुआत से, और ये ब्रांच हुआ था लेकिन लास्ट में ब्रांच इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। अब है कि टर्मिनल बड इज मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, टर्मिनल बड। अब ये टर्मिनल बड कौन सा है भाई, ये एक है, मान के चलो इसका इस जगह पे आपकी लीफ है, इस जगह पे आपका लीफ है, ठीक है, ये आपकी लीफ है, और इसकी एक ये पार्ट है, ये टर्मिनल बड है, यहां से आपकी एक पत्ता निकलना था, ये ब्रांच है और यहां से आपकी पत्ता निकलना था, लेकिन पत्ता नहीं निकल के इस जगह से आपकी टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गया, तो ये ब्रांच हो गया। ये सारे नॉन ब्रांच आपको दिख रहे हैं, ये आपकी ब्रांच दिख रहे हैं, देखो ये जो टर्मिनल टर्मिनल ब्रांच है, ब्रांच का जो टर्मिनल पार्ट है, यहां से लीफ निकलना था लेकिन ये लीफ नहीं निकल के ये टेंड्रिल में बदल गया। आप मेरी बात को समझ रहे हो। दूसरा है फ्लोरल बड जो है वो मॉडिफाइड टू टेंड्रिल। चलिए फ्लोरल बड को बारे में बात करते हैं, तो यहां से आपकी एक इस टाइप की एक ब्रांच है, और यहां से क्या है, यहां पर ही फ्लावर हुआ है, ये फ्लावर हुआ है, ठीक, ये फ्लोरल बड है, यहां पर ही कुछ फ्लावर हुआ है। अब यहां पर ही भी फ्लावर होना था लेकिन फ्लावर नहीं होके ये जो बड पोजीशन है इट इज नाउ कन्वर्टेड टू टेंड्रिल। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की चलेंगे, ऑक्सिलरी बड इज मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, तो हम इसकी एग्जांपल पैसिफ्लोरा, पैसिफ्लोरा ऑक्सिलरी ब्रांच मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, इसकी एग्जांपल हम लिखेंगे क्यूकम्बर, खीरा। टर्मिनल बड इज मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, हम लोग कहेंगे ग्रेप, ग्रेप। और फ्लोरल बड मॉडिफाइड टू टेंड्रिल, इसको कहते हैं एंटीगोनॉन, क्या कहते हैं, एंटीगोनॉन। ये आपका एग्जाम्पल है हाउ द स्टेम इज मॉडिफाइड टू टेंड्रिल और उसके क्या क्या टाइप है। द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द थॉर्न, थॉर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, थॉर्न, ठीक है, ये स्टेम है और स्टेम में इस टाइप का लंबा सा ये थॉर्न रहते हैं, ठीक है, ये थॉर्न है। नाउ दीज आर वेरी स्टीफ एंड शार्प स्ट्रक्चर, ओके। नाउ स्टेम ब्रांच, ब्रांच इज
मॉडिफाइड टू थॉर्न ब्रांच, जहां से वो ब्रांच मॉडिफाइड टू थॉर्न हो गया है. नाउ दिस मॉडिफिकेशन में हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, इस मॉडिफिकेशन पे हमारा एग्जाम्पल होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका नाम है साइट्रस. साइट्रस इज द एग्जाम्पल. दूसरी एग्जाम्पल्स है बोगनविलिया. बोगनविलिया इसके बाद है दुरंता. इसके बाद है पोमग्रेनेट. ठीक है, इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं. सो दीज आर द स्टेम इज कन्वर्टेड टू थॉर्न. नाउ कमिंग टू द फाइलोक्लेड. कमिंग टू व्हाट? कमिंग टू द फाइलोक्लेड. डू यू अंडरस्टैंड? Now what is this phylloclade? Phylloclade are flat, these are flat green stem. Flat green stem of unlimited growth. Flat green stem of unlimited growth. These are the green. So photosynthetic hai. Therefore photosynthetic hai. Green hai. So photosynthetic hai. Yes me. Okay. Now, why these phylloclades grow? Because due to the dry habitat areas, this grows due to dry habitat areas or habitat. Due to dry habitat. Okay, example क्या होगा? The examples are okay. Opuntia is another example. Opuntia is a very great example. अच्छा, Opuntia हम किसको कहेंगे? Opuntia जैसे हम cactus को कहेंगे. Cactus. Cactus. Opuntia. ये आपकी ब्रांच्ड हो सकते, इट कैन बी ब्रांच्ड. यहां पर ही हम लिख लेंगे दे आर ब्रांच्ड. ठीक है, ये आपका हो गया. एग्जाम्पल हियर इन फाइलोक्लेड लीव are converted to spines or spikes.
किस तरह से, एक ये बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसके एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ दी फाइलोक्लेड। ग्रीन है, फ्लैट सेम है, अनलिमिटेड ग्रोथ है, इसकी ब्रांच, ये ब्रांच हो सकते हैं, इसकी जो लीव्स है वो लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन, कांटे, छोटे छोटे कांटे। दो चीज को गौर करो, देर इज द डिफरेंसेस बिटवीन दी स्पाइन एंड द डिफरेंसेस बिटवीन दी थॉर्न। थॉर्न जो है वो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है वेयर ब्रांच इज मॉडिफाइड, ओके, ब्रांच इज मॉडिफाइड इनटू शार्प ऑब्जेक्ट, दिस इज अ थॉर्न, थोड़ा हार्ड होते हैं। और स्पाइन जो होता है बेसिकली वो इधर तो पार्ट ऑफ दी स्टेम हो सकते हैं, जनरली लीव्स आर कन्वर्टेड टू स्पाइन, ये थोड़ा सा थीन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ज्यादा शार्प भी होते हैं ये, ठीक है। तो दे आर एक्चुअली कॉल्ड स्पाइन, दोनों का डिफरेंसेस है। डू यू अंडरस्टैंड, हेलो स्टूडेंट? अब हम लोग बात करेंगे क्लैडोड। अब हम लोग बात करेंगे क्लैडोड की। क्लैडोड क्या है? ये भी ग्रीन स्टेम है, गौर से डिफरेंस को समझना, ये भी ग्रीन स्टेम है, बट ये जो है ये राउंड नहीं है, आई मीन फ्लैट नहीं है, राउंड है, ठीक है। इसका एक डिफरेंसेस है कि इट हैज लिमिटेड ग्रोथ, ग्रीन स्टेम ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। ये फ्लैट या राउंड दोनों ही हो सकते हैं, इट कैन बी फ्लैट या राउंड दोनों की हो सकते हैं। इट हैज स्केली लीव, इसमें स्केली लीव्स होते हैं, यूजुअली 1 इंटरनोड लॉन्ग, 1 इंटरनोड लॉन्ग, ठीक है, 1 इंटरनोड लॉन्ग है ये। इसका जो स्पाइंस है, स्पाइंस मे बी इन द टिप ऑफ द लिप्स और स्केली लिप्स, स्पाइंस मे बी टिप्स ऑफ स्केली लिप्स, स्केली लिप्स पे टिप पे इसका स्पाइंस हो सकते हैं, ओके। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लैड क्लैडोड? क्लैडोड की एग्जांपल है जैसे रस्कस, रस्कस एग्जांपल ऑफ द क्लैडोड, एंड अनदर एग्जांपल इज कॉल्ड एज एस्पारागस। एग्जाम्पल ऑफ दी क्लैडोल,
दोनों का डिफरेंस समझ गए। एक का अगर हम एक का पिक्चर बना के आपको दिखाए कि ये आपकी बॉडी है, यहां से इस टाइप की आपको एयर निकल के आ रहा है, सो दीज आर एक्चुअली दी क्लैडोज, दीज आर एक्चुअली क्लैडोज, ठीक है। इनमें लिप्स है, केली टाइप की लिप देखने को मिलते हैं, किसी में ब्रांच है किसी में नहीं है, तो इस टाइप की इसमें इसका एज हो सकता है, इस टाइप की स्ट्रक्चर इसका हो सकता है। सो दिस इज दी स्ट्रक्चर लाइक, सो दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन दी क्लैडोड एंड दी फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड में पूरी सेम ही फ्लैट है, लेकिन इसमें फ्लैट भी हो सकते हैं या तो राउंड हो सकते हैं, लीफी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली अनब्रांच्ड होते हैं, लेकिन एक जगह बहुत सारे आपकी क्लैडोड मिलके रहते हैं। स्पाइन जो है वो मे बी द स्केली लीव्स है, उसकी टिप पे हो सकते हैं क्लैडोड, ओके। और रास्कस में आपका जैसे लीफ लाइक अपीयरेंस है, स्पाइनी टिप भी है, थोड़ा सा राफली राउंड टाइप का इसकी स्ट्रक्चर है, तो ये है उसकी। बट इसका मेन डिफरेंसेस क्या है, इसकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है, एक लिमिटेड जगह में ही इसका ग्रोथ है, ग्रोथ खत्म हो गया फिर ये गिर जाएंगे, नया जगह से नया आपकी ब्रांचेस एंड द स्टेम्स निकल के आएंगे। 1 इंटरनोड लॉन्ग है ये, यूजुअली 1 इंटरनोड लॉन्ग है, जबकि फाइलोक्लेड की बात करें ये ब्रांच है, इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ है, ये ग्रोथ अनलिमिटेड है, कितना भी बड़ा हो सकता है, इसका कोई भी अंत नहीं है। डू यू अंडरस्टैंड, एक का बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक दूसरे ऐसे चलते जाता है। तो फाइलोक्लेड का एग्जाम्पल हम लोग बताएंगे अपुंशिया, और क्लैडोट के एग्जाम्पल हम लोग लेंगे रस्कस, ओके, रस्कस, एस्पारागस एक्सेट्रा, ये दो एग्जाम्पल है आपकी क्लैडोट के, समझ में आया। सो दिस इज दी स्टेम की मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन, एक तो है स्टेम टेंड्रिल, दूसरा है स्टेम थॉर्न, तीसरा है फाइलोक्लेड एंड चौथा है क्लैडोट, ये है स्टेम की मॉडिफिकेशन। अब हम लोग थोड़े से बात करेंगे इसका लीफ का। लीफ में हम लोग 2 पॉइंट करके आज को छोड़ देंगे, क्योंकि फिर आपको ज्यादा आपको आगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए याद करने की तकलीफ होगा, तो 2 पॉइंट को खाली हम लोग बात कर लेते हैं। लीफ मॉडिफिकेशन, लीफ मॉडिफिकेशन, देखिए लीफ मॉडिफिकेशन का एक टाइप होते हैं वेनेशन, वेनेशन इज अ अरेंजमेंट ऑफ वेन, वेनेशन की बात करें पहले, वेनेशन, वेनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन ऑन लिप्स, लिप्स के ऊपर वेनेशन। सो ये जो अरेंजमेंट ऑफ वेन है बेसिकली ये दो टाइप की हो सकते हैं, इट कैन बी ऑफ टू टाइप, वन इट इज कॉल्ड एज रेटिक्यूलेट वेनेशन, रेटिक्यूलेट वेनेशन, एंड दूसरा इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन, रेटिक्यूलेट में क्या होता है, रेटिक्यूलेट आर नेट लाइक अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है ये नेट लाइक
अरेंजमेंट है। और ये पैरेलल जो है, वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, वेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल वेनेशन ये हमेशा मोनोकॉट प्लांट में ही देखने को मिलते हैं, मोनोकॉट में। हम जानते हैं मोनोकॉट सिंगल कोटिलेडन मोनोकॉट प्लांट में होता है, और रेटिक्यूलेट वेनेशन जो है वो डाईकॉट प्लांट में होता है। तो एक मोनोकॉट में होता है, दूसरा डाईकॉट प्लांट में होते हैं। ठीक है, डाईकॉट। जैसे एग्जांपल हम लोग लेंगे पीपल, पीपल का देखो, पीपल का पत्ता को देखो, ये नेट लाइक सबसे आसान है। कोई बहुत कोई बचपन में पत्ते का बुक के अंदर रखा होगा, उसमें बाद में उसका खाली नेट सी दिखते हैं, तो वो आप देखो, वो आप क्या नाम है, रेटिक्यूलेट वेनेशन। पीपल के पत्ते, एक पीपल की पत्ते लो, कोई भी एक मोटा सा बुक का लास्ट तक का जो पन्ना है उस पन्ने में रख दो, कुछ दिन रख देने के बाद वो ड्राई हो जाएंगे, और आप निकाल के देखो उसमें पूरी नेट दिखेगा आपको। तो दैट इज अ रेटिक्यूलेट वेनेशन, वो डाईकॉट में होते हैं। और मोनोकॉट में जैसे आप बनाना का ले लो, बनाना का आप देखो स्ट्रेट होते हैं, बनाना लीफ, ये आपकी मोनोकॉट है, और इसमें पैरेलल वेनेशन दिखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीफ की जो मॉडिफिकेशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लोग पार्ट्स ऑफ लीफ को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग इसकी लीफ की अरेंजमेंट, लीफ की टाइप, और लास्ट में हम लोग लीफ की मॉडिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लीफ मॉडिफिकेशन डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, लेकिन लीफ की कुछ पार्ट्स वगैरह डिस्कस करेंगे, अरेंजमेंट डिस्कस करके उसके बाद लास्ट में लीफ मॉडिफिकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आज क्लास इतना तक ही कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इसी के साथ। थैंक यू।